हे गाइस, चलिए चलते हैं कमर्शियल स्ट्रीट मार्केट। ये फेमस है अपने अफोर्डेबल क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ के लिए। तो मैं पहुंच गई थी कमर्शियल स्ट्रीट मार्केट, बट बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो मैं पहुंच गई सबसे पहले अपना लंच करने विष्णु सागर में, और वहाँ मैंने ऑर्डर किया ये फ्राइड राइस। एंड दिस वॉज रियली डिसेंट टेस्ट में, मशरूम फ्राइड राइस था ये। एंड इसके साथ मैंने ऑर्डर कर लिया था एक चिली पनीर। सो दोनों ही डिशेज़ काफ़ी डिसेंट थे। एंड एंड किया मैंने एक कप फिल्टर कॉफ़ी के साथ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा मौसम हो रखा था। एंड फिर मैं निकल गई अपनी शॉपिंग पे। तो इस टाइम मैं कमर्शियल स्ट्रीट में बहुत अच्छा इंडियन कलेक्शन आया हुआ है, क्योंकि वेडिंग सीजन है ऑब्वियसली। बट मेरे को इंडियन कलेक्शन उतना लेना नहीं था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। अदरवाइज़ चिकनकारी कुर्तीज़, लहंगा और सूट का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। फिर इब्राहिम शास्त्री मार्केट में मुझे ये एक बैग की शॉप मिली, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी। एंड फिर मेरे को ये ईयरिंग की एक शॉप मिली, यहाँ पे ना छोटी वाले ईयरिंग्स बहुत सुंदर सुंदर थे। यहाँ से मैंने कुछ ईयरिंग्स ली भी हैं, जो आपको वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगी ज़रूर। एंड बहुत सारे सनग्लासेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। पर्सनली बोलूँ तो मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, मे बी अगर आप ज़्यादा ढूंढोगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाए। बट इस टाइम तक ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मतलब शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैं पहुँच गई मिनीसो, वहाँ पे मिनीसो का भी एक अच्छा बड़ा स्टोर है, बट उतना ज़्यादा नया स्टॉक नहीं आया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मिनीसो से शॉपिंग करती हूँ, तो नया स्टॉक आना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। सो मैंने मिनीसो से भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ ली है, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। अदरवाइज़ मिनीसो का जो ये शॉप था काफ़ी अच्छा था। और चिकन करी कुर्तीज़ आप देख सकते हो, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, मतलब फुल सूट थे। एंड मतलब बहुत सुंदर मिरर वर्क चिकनकारी कुर्तीज़ वगैरह भी थी। एंड आपको यहाँ पे फुटवेयर भी मिल जाएंगे, मेरे को एक दो फुटवेयर पसंद आए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं रहता है कहीं पर भी, सो इसलिए मैं ले नहीं पाई। फिर मेरे को ये एक शॉप मिली अटायर हब बोल के, यहाँ पे बहुत अच्छा क्रॉप टॉप का कलेक्शन था। ऑल दो मैं नहीं ले पाई, बिकॉज ये क्रॉप टॉप ना उतने स्ट्रेची नहीं थे, इवन इफ दे वर इन फ्री साइज़ उतने ज़्यादा स्ट्रेची नहीं थे, इसलिए मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे, बिकॉज आई एम ऑन अ हैवियर साइड। फिर मुझे ये गोपालन कॉर्नर मिला, यहाँ फाइनली मेरे को एक टॉप मिला जो मुझे पसंद आया। सो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टॉप और ड्रेसेस, बट बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। फिर बाहर ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रीम कैचर्स, वॉलेट्स वगैरह एंड सॉफ्ट टॉयज़ के बहुत सारे शॉप लगे हुए होते हैं, और आपको इन सब जगहों पे ना बार्गेन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्पेशली फॉर ये सॉफ्ट टॉयज़ एंड वॉलेट्स वगैरह के लिए। यहाँ पे ज्वेलरी के कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। और फिर मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो मैं पहुँच गई चाय पीने। मतलब इतनी देर, 3 से 4 घंटे हो गए थे, और मुझे सिर्फ एक टॉप और एक दो सामान मिले थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी क्या, एंड मैं क्यों आई, मुझे नहीं समझ आ रहा था। एंड इसलिए मैंने पी ली एक कप चाय, ताकि मेरी दिमाग खुल जाए और मुझे लगे कि यार क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मैं डिसाइड कर पाऊँ। बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज क्या हो रहा था ना, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं समझ आ रही थी, तो किसी प्रोडक्ट का साइज़ नहीं था। बैग्स एंड एक्सेसरीज़ आप कितने नहीं ही ले लोगे, और इंडियन कलेक्शन ज़्यादा आया हुआ था, बट इंडियन कलेक्शन की नीड नहीं थी मेरे को, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज थी। फिर मैंने हिम्मत करके मैं वहाँ से निकली। एंड और एक शॉप मिली मेरे को, वहाँ पे भी चिकनकारी कुर्ती का कलेक्शन बहुत अच्छा था। मैंने ट्राई भी की एक दो चिकनकारी कुर्ती, बट रिसेंटली ही मैंने चिकनकारी कुर्तीज़ खरीदी थी, तो मुझे सेंस नहीं लग रहा था कि मैं इतने सारी चिकनकारी कुर्तीज़ का करूँगी क्या। फिर मुझे ये बी बैग्स बोल के एक बैग की शॉप मिली, यहाँ मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन लगा बैग्स का। यहाँ से मैंने कुछ बैग्स लिए भी हैं, वो भी आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। बहुत अच्छा ही और बहुत अफोर्डेबल भी लगा था मेरे को इस शॉप में बैग्स। बहुत सारे स्लिंग बैग्स थे, टोट बैग्स थे, क्लचेस थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था। सो इसके बाद मैं पूरा थक गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी तो नहीं हुई, बट हाँ रिसेंट शॉपिंग हो गई थी। तो फिर मैं वापस से पहुंच गई विष्णु सागर, और वहाँ पे मैंने खाई है स्पाइरल पटेटो। मतलब ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें दिख जाए ना, तो आप खाए बिना रह नहीं सकते। फिर ना मुझे अपने नेफ्यूज़ के लिए साउथ इंडियन ड्रेस लेनी थी, सो मैं पहुंच गई रामराज शॉप में। यहाँ पे सिल्क का बहुत अच्छा कलेक्शन था, लाइक बींग फॉर वुमेन और फॉर मैन, बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर थी, तो मैंने यहाँ से अपने लिए भी एक कुर्ती ले ली थी, एंड अपने नेफ्यू के लिए साउथ इंडियन प्रॉपर ड्रेस ली थी, और इतनी क्यूट लग रही थी ना वो ड्रेसेस, मुझे बहुत मज़ा आया। और आपके साथ ये होता है क्या, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कि आप जब मार्केट जाते हो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बट आपके जब घर जाने का टाइम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने का टाइम हो जाता है, तब आपको चीज़ें समझ आती है कि यार ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा होती है। तो चलिए देखते हैं कि
मैंने कमर्शियल स्ट्रीट मार्केट से क्या क्या लिया, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया था वो है ये टोट बैग। अभी इस ये वाला प्रिंट ना बहुत ट्रेंड में है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एज़ पर द प्राइस, और बहुत स्पेशियस था। इसमें लैपटॉप डालने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बचता है और क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। जूट काइंड ऑफ मटेरियल है। सेकेंड प्रोडक्ट है अगेन अ स्लिंग बैग, काफ़ी बोहो काइंड ऑफ स्टाइल बैग है, किसी भी आउटफिट को यू नो एक बोहो टच दे देगा। सो और मुझे ना इसका शेप भी बहुत यूनिक लगा और बहुत स्पेशियस भी है। अगर आप देखो दो चेन दी हुई है तो काफ़ी स्पेशियस है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप स्पेंड कर रहे हो ना इवन इफ 100 रुपीज़, तो क्वालिटी थोड़ी ढंग की मिलनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप एक बार उसको यूज़ करके फिर रख दोगे, आप यूज़ नहीं करोगे उसको। तो इसलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट सर्च करती हूँ जिनकी क्वालिटी भी अच्छी और दोज आर अफोर्डेबल एज वेल। सो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ड्रीम कैचर। फिर फोर्थ प्रोडक्ट में मैंने लिया था ये टॉप जो सैटिन फैब्रिक में था। आई डोंट नो इफ कैमरा इज़ जस्टिफाइंग द लुक और नॉट, बट ये बहुत स्मार्ट लग रहा था पहना हुआ और काफ़ी अफोर्डेबल भी था और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी कपड़े की, बिल्कुल भी यू नो चीप क्वालिटी का नहीं था। फिर मैंने रामराज से लिया ये कुर्ती। ये आपको वीडियो में बहुत बेसिक कुर्ती लग रही होगी, बट सामने से जब आप देखो ना तो ये सिल्क का कपड़ा है, जिससे एक अलग ही क्लासी लुक आ जाता है कुर्ती में। सो ये मेरे को बहुत पसंद आई थी और कलर बहुत प्यारा है। कैमरा में थोड़ा लाइट कलर आ रहा है बट इट्स इन मस्टर्ड कलर। फिर मैंने मिनीसो से लिए थे ये सॉक्स के, तीन सॉक्स के पेयर, और इस सॉक्स में ना थोड़े से शिमरी काइंड ऑफ इफेक्ट है जो मेरे को अच्छा लगा था। एंड मिनीसो जाऊँ और कुछ भी नहीं लूँ ना तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मुझे सिर्फ ये सॉक्स ही समझ आया और कुछ मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि पुराना स्टॉक ही था। फिर वो ईयरिंग्स वाली जो शॉप मैंने दिखाई थी ना, वहाँ से मैंने ये ईयरिंग्स ली। इनकी क्वालिटी आर सुपर्ब फॉर द प्राइस, मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई हाई एंड ब्रांड के ईयरिंग्स हैं। एकदम मतलब बहुत ही लाइट वेट बट स्टिल द लुक इज़ रियली क्लासी। तो मुझे ये ईयरिंग्स बहुत पसंद आए और इस शॉप में और भी बहुत सारी ईयरिंग्स थी जिनमें मेरे को ये तीन सबसे बेस्ट लगी थी। और प्राइस वाइज मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चीप है, बट हाँ डिसेंट प्राइसिंग है एज़ पर द क्वालिटी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो ज़्यादा सामान नहीं था बट स्टिल मैंने ट्राई किया है हर एक चीज़ इंक्लूड करने का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।